खालसा साह संघ जी दे दो सरबत संगत एक बारी फिर गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप जी नाल बहुता समा नहीं लेना, सिर्फ दो बेनतियां करनिया। असी पिछले दिनी व्यापार मंडल दे जिहड़े आल इंडिया दे प्रधान ते जनरल सैकटरी उन्हां नाल लुधियाणे मीटिंग कीती सी, ते ओह श्री अरुण जैन जी अते दौलत राम जी थोड़े नाल वचन भी सांझे करके गए आ। सरदार बलवीर सिंह जी राजेवाल, राकेश कुमार जी टिकैत साहब, सारे जिन्हें जथेबंदियों के आगू है, मैं उन्होंने बेनती करना चाहना है कि वह खुल के इत्थे विचार नहीं दे सके क्योंकि समा सीमित सी। उन्होंने सानू दस्या है कि 8 करोड़ सारे भारत के 8 करोड़ व्यापारी है जिहड़े GST दे रजिस्टर्ड है। कहिंदे मैं उन्हां दा प्रधान है ते मैनू बड़ी देर हो गई क्योंकि साडा सारा ही भार भावें ओह नोटबंदी दा होवे, GST दा होवे, वैट दा होवे, टैक्सां दा होवे, ओह सारा ही भार किसानां ने चुक के अंदोलन शुरू कीता होया है ते असीं पछड़ गए हाँ इस अंदोलन विच हिस्सा लैण वास्ते। वैसे असीं कहिंदे कोई काल आई, बंद दी आई, हड़ताल दी आई, असी उहदे तां हिस्सा लिया, पर खुल के असी मोढ़े नाल मोढ़ा डा के खड़े नहीं होए। अज उह इत्थे विशेष तौर ते, क्योंकि 8 करोड़ व्यापारी थोड़े नहीं होंदे, ये सिर्फ जिहड़ा मोदी है ये तां दोनों ही पालदा ना अंबानी अडाणी नूं, ते 8 करोड़ किधर जाण। ये अज सारे ही किसान जथेबंदियों नूं हमायत करन वास्ते इत्थे पहुंचे है कि तुहाडे नाल असीं हर मोर्चे ते हर पक्ष ते तन मन धन दे नाल डट के खड़ांगे। मैं जकारा बुलावांगा व्यापारी मंडल दे इस मंच ते किसानां दी मदद ते आउण ते, सारे किसानां ने हथ खड़े करके इन्हां दा स्वागत करना है। बोले सो निहाल। दूसरी बेनती है कि जिहड़ा 27 तरीक नूं किसान जथेबंदियां वल्लों बंद दा सद्दा दित्ता गया है, समूह संत समाज जिहड़ा कि साध संग जी पिछले दास थोड़ा जिहा शरीर ढिल्ला सी जदों महापुरखां ने मेरी ड्यूटी लाई कि आपां किसान अंदोलन विच इकट्ठे हो के जाना है, मैं बहुत सारे महापुरखां कोल नहीं जा सकिया, पर जिन्हां कोल भी गया उन्हां दिल खोल के क्या दसो किहो जी मदद चाहीदी है। मैं बेनती की अज तां सिर्फ सानू शमूलीयत चाहीदी आ, तुसी मंच ते बैठो, जो सानू किसान जथेबंदियां अगवाई दे रही हैं उस अगवाई विच शमूलीयत करिए, तां कि देश दा प्रधानमंत्री ये ना समझे, कहिंदा ना हो कि कुछ भुलड़ किसान अंदोलन कर रहे हैं, कदे कुछ कहिंदा कदे कुछ कहिंदा, इहो जिहा प्रधानमंत्री किसे देश दा होना ही नहीं। पर असीं दसण आए हाँ कि आ जिहड़े संत महापुरख अमृत वेले उठ के नाम जपण वाले, अमृत छकाउण वाले, बाणी पढ़ाउण वाले, रब नाल जोड़न वाले, ये एक मुठ हो के अज किसानां दे नाल इस अंदोलन की सपोर्ट करन वास्ते आए आ। मैं पहला भी बेनती की सी, मता कोई ख्याल करे कि असी कोई वखरा राह बनाउण लई आए हाँ, सरकार ने गल करनी है, मसला हल करना है, ते फिर 3 काले कानून रद्द करके इन्हां किसान जथेबंदियां नाल ही गल करनी पैनी है, होर कोई रस्ता ही नहीं। इस वास्ते अज समुचा संत समाज इस मंच ते तुहाडे नाल हमायत करन वास्ते आया है। बहुत सारे महापुरख, सत्कारयोग बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी, होर बहुत सारे महापुरख है जिन्हां ने ये गल कही कि सिंह साहब जी अज तुसी पंजाब दे महापुरखां नूं लै जाओ, पर जे मोदी नूं ना अकलाई ते फिर सिर्फ आपां किसानां दे इस संचालक मंच ते नहीं जाना,
फिर आप मोदी के घर मूहरे चलेंगे तो जावे सारे हिंदुस्तान के जिन्हें हिंदू महापुरख है जिन्हें मठां के पुजारी है जिन्हें मंदिरों के पुजारी है सबनों नाल लवेंगे सबनों नाल लैके ये घर न उत्थे जा के इहदे घर दे मूहरे बैठांगे जिथे बिठा लैणगे जिथे रोक देणगे उत्थे बैठ जावांगे। पर ये सारा जो पिछले 10 महीनों तो पुर अमन शांतमई अंदोलन चल रहा है ये कोई सौखी गल नहीं, क्योंकि असी कोई किसी जिले तो कोई किसी जथेबंदी नाल कोई किसी ख्यालों का, पर किसानी संघर्ष दे विच जिस ढंग दे नाल तुसी एकता इतफाक अते मर्यादा नूं निभाया है तुसी सारे ही वधाई दे पात्र हो। 10 महीने कोई रौला ना पैना किते रोड़ा भी ना चलना इन्नी शांतमई ढंग दे नाल अंदोलन चलना ये दुनिया दे विच इक मिसाल है। तो महापुरखों ने भी ये प्रण लिया है कि आप इस मर्यादा नूं इस असूल नूं जारी रखदिया होया किसानां दे नाल 32 जथेबंदियां जा आल इंडिया दियां जिन्नियां जथेबंदियां है इन्हां दे नाल विचार करके जिहड़ा भी संघर्ष दी रूपरेखा सानूं सौंपणगे उहदे नाल असीं मोढे नाल मोढा डाह के चलांगे अते अखीर नूं मोदी नूं झुकना ही पएगा अज नहीं ते कल। ये किसानां दियां जिहड़ियां हक्की मंगां है वह मनणियां पैणियां, असीं कोई अरबां रुपया मंगदे हां, साडियां कोई डिमांड्स है? असीं ते कहिंदे हां जो काले कानून तों थोप बैठा है वह तो वापस ले ला, सानू नहीं चाहिए, गल तो इन्नी है। पर इहदे पिछे जिहड़े वड्डे कारण है अबानियां अडानियां नूं रजाउण दे ओह किसान समझ चुके हैं, कल्ले कल्ले पहरे ते कल्ली कल्ली मद दे उपर अपने विचार समझा चुके हैं, फिर भी कहिंदे आ जी असीं ते गल करन नूं तैयार हैं, असीं मसला हल करन नूं भी तैयार हैं। सो ये सारा कुछ पखंड करदे आ, अडंबर करदे आ, फरेब करदे आ। मैं ज़्यादा कुछ ना कहिंदा होया किसान जथेबंदियों नूं फिर समुचे संत समाज वल्लों मैं आप जी नूं पूरा सहयोग देण दा वचन दिंदा है कि आपां चढ़दी कला दे विच इस संघर्ष की जित प्राप्त करनी है। पुल्लां चौकां दी खिमा जो 27 तरीक नूं बंद है वह आपां चढ़दी कला दे विच सारे जिन्ना संत समाज जिन्ना व्यापार मंडल जिन्हें मजदूर मुलाजम जिन्हें आपां इत्थे पहुँचे हैं सब ने वह आपां उहदे विच हिस्सा लैना है। संत बाबा सुदेव सिंह जी बेर साहब वाले वो विशेष तौर पर आ बोलना नहीं चाहते, कहते मेरी हाजरी संगतां दे विच लवा दिओ, सो उन्हां दी भी हाजरी प्रवान करनी ते आपां 27 दे बंद वास्ते एक बारी फिर थोड़ी खेचल करनी। सारियां संगतां ने बाहां खड़ियां करके 27 तरीक दे बंद दे उपर मोहर लाउणी है। इन्हां ही शब्दां दे नाल दास खिमां दा जाचक है भुल्लां चुक्कां दी खिमां बख्शो गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।